तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल अभी। तो भाई आज जो हमने कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा था उसमें भाई WWE ने जो इतने टीजेस दिए, क्या वो अनस्क्रिप्टेड थे, स्क्रिप्टेड थे? बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही है कि वो अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट था जो कि CM Punk का टीज था एंड वो पपेट एंड मैनिपुलेट वाला जो वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई CM Punk जब क्या कहते हैं WWE से भी पहले रिंग ऑफ ऑनर में काम करते थे तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रोमो कट किया था जिसे पाइप बॉम्ब बोलते हैं एंड जहां पर वो मैनिपुलेटर एंड पपेट वर्ड को यूज करते हैं कि तुम लोग पपेट हो और मैं तुम लोग को पपेट को मूव करने वाला मैनिपुलेटर हूं। तो सेम चीज कल का जो रॉ का एपिसोड हुआ उसमें सेथ रॉलिंस को माइकल कोल भी इस तरह से रेफरेंस लेते हुए दिख रहे थे एंड भाई कंटिन्यू रॉ के एपिसोड में जब भी सेथ रॉलिंस आ रहे हैं तो CM Punk के टीजेस हमको अगेन एंड अगेन देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, अब से 2 या 3 साल पहले जब कोडी रोड्स का भी रिटर्न होने वाला था रॉ के एपिसोड में, मतलब वो रेसलमेनिया में उन्होंने अपना रिटर्न करा था एंड सेथ रॉलिंस के साथ मैच होने वाला था, तो भाई अगर आपको नहीं पता तब भी वहां पर काफी ज्यादा टीजेस हो रहे थे कोडी रोड्स के। एंड अगर आपको नहीं पता ये टीजेस की शुरुआत हुई कहां से, तो भाई इनकी शुरुआत हुई कोडी रोड्स से जब वो बेस्ट इन द वर्ल्ड का प्रोमो कट करते एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली हर रॉ के एपिसोड में CM Punk के हमको टीजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड भाई अब तो रिपोर्ट्स भी आ रही है कि जैसे ही एज ने अपना रिटर्न AEW में किया, मींस डेब्यू AEW में किया, तब से भाई WWE बहुत ही ज्यादा हाथ पैर पीट रही है CM Punk को अपना WWE में वापस लाने के लिए। एंड मे भी हो सकता है CM Punk के साथ WWE पूरा 100% श्योर हो गई हो इसलिए WWE अपनी कंपनी में टीजेस दे रही है, नहीं तो WWE कोई इतने भी पागल नहीं है कि CM Punk उनकी कंपनी में आ नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी टेलीविजन पर कंटिन्यूसली टीज दे रही है। मे भी हो सकता है इन दोनों के बीच में गुड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, हालांकि अभी कॉन्ट्रैक्ट हो तो नहीं सकता ऑफिशियली मे भी, बट एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो एंड उसकी वजह से ही WWE एक टीजेस दे रही हो। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को क्या लगता है, अगर CM Punk अपना WWE में रिटर्न करके सेथ रॉलिंस के साथ मैच करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो क्या CM Punk वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।